नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, कंचन टीवी सफ़ेदों के पल पल की अपडेट आपको देती है, चप्पे चप्पे की खबरें आप तक पहुंचाती है। आज सफ़ेदों में श्री गौशाला में गौ सेवा आयोग के नव नियुक्त चेयरमैन श्रवण गर्ग का अभिनंदन समारोह किया गया। गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े समाज सेवी हैं वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे, काफ़ी भव्य कार्यक्रम। इस मौके पर प्रेस मीडिया को क्या कहा श्रवण गर्ग जी ने, आइए सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। हमारी योजना ये है कि बेसारा गांव जो भी सड़कों पर है, हरियाणा के अंदर जिस जिले में भी है, जितनी संख्या में, हमने उसका लगभग सर्वे करवा लिया। अब उसके लिए गौशालाएं निर्धारित कर रहे हैं। जो गौशालाएं हमारी है, उन गौशालाओं में उस गोमांस को जितनी गौशाला में जितनी कैपेसिटी होगी लेने की, किसी में 10 की, किसी में 20 की, किसी में 50 की, हम कोशिश करेंगे कि वो गौशालाओं में जाए। उसके अलावा हम नंदीशालाओं में यही प्रयास करेंगे, नई गौशालाएं खुलवा कर उनमें गौमांस को देंगे। और हमारा प्रण है कि जल्दी ही आपको ये सुनने मिलेगा कि इस जिले के अंदर गौमांस सड़कों पर नहीं, इस जिले के अंदर गौ सड़कों नहीं, और एक दिन हरियाणा के अंदर ये हरियाणा के अंदर कोई भी जो नंदीशाला है जो उसके अंदर आज दशा जो ठीक नहीं है, उसके बारे में बताइए, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? ऐसे नंदीशालाओं में ज्यादातर नंदीशालाओं की हालत सुधर गई है, जो व्यवस्था पहले थी। और सफ़ेदों नंदीशाला के बारे में भी आज ही SDM साहब की मीटिंग थी, और उस मीटिंग के अंदर निर्णय लिया गया। और दीपक चौहान जो गौरक्षा दल के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनकी टीम नंदीशाला को संभालेगी और व्यवस्थित करेगी। थोड़े दिन में आपको पता लगेगा कि नंदीशाला भी गौशाला जैसी। गणेश चिकित्सालय भी वो संभालते हैं और नंदी की जो है वो भी देखभाल करेंगे, क्या वो इतना बोझ उठा पाएंगे जिस तरीके से उनको सहायता नहीं मिल पा रही है? नौजवान है, टीम है, समाज से प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दें, सरकार से जो सहयोग होगा हम करेंगे। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाए? गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नस्ल सुधार का कार्यक्रम, जिसमें हमने एक टीका शुरू किया है जी, माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ के समय में उन्हीं की प्रेरणा से ये शुरू हुआ था। और वो 1500 रुपए का टीका 200 रुपए में गौशालाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 90% बछड़ी पैदा होगी और वो भी दुधारू होगी और उत्तम नस्ल की, भारतीय नस्ल की होगी। और दूसरी बात, गौशालाओं में गोबर और गौमूत्र से जो भी हो सकता है वो सब प्रबंध हम धीरे धीरे कर रहे हैं, पहले भी किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक दिन आपको ये मिलेगा, हरियाणा के अंदर गौशालाएं आत्मनिर्भर कुछ होनी शुरू हो गई, कुछ हो गई है। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट क्या वो भी आत्मनिर्भर बना सकती हैं? बिल्कुल 100% बढ़ा तो सकते हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ, सफ़ेदों की ये गौशाला जिसमें हम खड़े हैं, जिन्होंने आज अभिनंदन समारोह रखा है, इस गौशाला के अंदर ही नस्ल सुधार का कार्य पिछले 25 वर्ष से चल रहा है, और उसका परिणाम यह है कि गौशाला के अंदर दूध भी और घी भी जितनी मात्रा में होता है उसकी अपेक्षा लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वह उत्तम होता है और ऑर्गेनिक होता है और शुद्ध होता है। शुद्धता पे ये समझौता कोई नहीं करते जी। गर्ग साहब, जो गौ सेवा आयोग था हरियाणा का, वो सिर्फ सफेद हाथी था, क्या उम्मीद की जा सकती है आपके चेयरमैन बनने के बाद अब ये काम करने लगेगा? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि वो सफेद हाथी था जी। हाँ, सफेद हाथी जिस समय बनाया था उस समय केवल बनाने के लिए बनाया था कांग्रेस की सरकार में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हरियाणा के अंदर सख्त कानून लागू किया गया है गौ हत्याबंदी का, और उसके परिणाम स्वरूप गौएं अनेकों सड़कों पर आ गई और उनको गौशालाओं में स्थान दिया है। 325 गौशालाओं की जगह माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 650 गौशालाओं। धन्यवाद।